मेरे द्वारा ये काम किया जाना चाहिए, उसके द्वारा ये काम किया जाना चाहिए था, चाहिए है, उसके द्वारा किया जा सकता था ये काम। कई बार, हाँ गाइस, कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं कई बार हम कि मैं ये काम कर सकती हूँ। कई बार बोलते हैं हम कि वो काम उसके द्वारा किया जा सकता है। कई बार हम कहते हैं ये काम मुझे करना चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि मेरे द्वारा ये काम किया जाना चाहिए, है ना, उसके द्वारा काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही पहचाना गाइस, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। पेसिव वॉइस में मॉडल वर्बों को कैसे लेंगे, पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं, मॉडल और मॉडल ये दोनों एक ही चीज है। हाँ, हम लोग पुराने लोग हैं तो हम लोग उसको प्रोनाउंसिएशन मॉडल में लेते हैं। अभी एडवांस इंग्लिश में कई लोग उसको मॉडल वर्ब में भी यूज करते हैं, तो कोई बात नहीं, मॉडल और मॉडल दोनों एक ही चीज है, प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम वैसा का वैसा है। तो गाइस, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो गई हूँ एक नए वीडियो के साथ में लेकर के, और उसी वीडियो पे आज हम बात करेंगे। और गाइस, मुझे पता है कि मैं इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा दूंगी, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में भी आपने देखा है कि अपन ने क्या किया है, जो टेंस के जो वीडियोस बनाए हैं मॉडल के, वो बहुत अच्छे से बनाए हैं, और उसमें मुझे लगता है गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ इसको लेकर के, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि वॉइस केवल हम टेंस में ही बदल सकते हैं, मोडल यानी मॉडल में भी बदल सकते हैं, और बदलने के बाद वही सिस्टम ज़्यादा अपनाते हैं। नियम तो वही पुराने हैं कि पेसिव में थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, और बस, लेकिन इसमें इतना सा है कि बी का यूज़ कर देते हैं। कोई भी मॉडल वर्ब है, जैसे कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मस्ट हो सकता है, शुड हो सकता है, इनमें हम बी प्लस कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके काम कर देंगे। यदि किसी वाक्य में मॉडल का यूज होता है तो पेसिव में बदलते समय बी प्लस वर्ब थ्री का यूज किया जाता है ना। तो मैं इसको कंपैरिजन की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी, तो गाइज मुझे लगता है कि इसमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, है ना। तो अपन एक्टिव टू पैसिव चलें तो उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देख लेंगे अपन फिर से इसको कैसे लेंगे। तो पहले अपन तो गाइज, अब अपन फिर से देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव पे करूंगी, दोनों वाक्य को साथ में लेके आती हूँ ताकि कंपैरिजन आप आसानी से कर सके। अगर एग्जाम में आता है कि पैसिव से एक्टिव में लेके आए या एक्टिव से पैसिव में लेके आए, तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले अपन दोनों के फॉर्मूले को देख लेंगे। अपन देखो, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये केवल एक्टिव के लिए है ना। लेकिन वहीं पे हम इसकी बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ आपको, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में अपन क्या ले लेंगे, प्रोनाउन कौन सा ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ले लेंगे, है ना। आई की जगह पे मे हो जाएगा, यू का जगह यू हो जाता, और फिर क्या होगा, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है। ये गाइस मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ ना। चलो तो फिर से शुरू करें अपन, ये देखेंगे अपन सबसे पहले एक्टिव में, आई शुड वाटर द प्लांट, मुझे पौधों में पानी डालना चाहिए। अब क्या हो सकता है कि पानी मेरे द्वारा पौधों में डालना चाहिए, हो सकता है ना। तो फिर क्या होगा, द प्लांट्स यानी पौधों में पानी डालना चाहिए मेरे द्वारा, है ना। तो यहाँ पे प्लांट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हम सामने ले आएंगे, द प्लांट्स शुड बी वॉटर्ड बाय मी, मेरे द्वारा पौधों में पानी डाला जाना चाहिए। फिर यू शुड हेल्प राम, तुम्हें राम की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है ना। तो राम की हेल्प करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राम शुड बी हेल्प, राम की हेल्प की जानी चाहिए बाय यू, तुम्हारे द्वारा, ठीक है। देखेंगे फिर से, राम शुड बी, देखो राम यहाँ था तो हमने लिख दिया, राम को हम क्यों नहीं चेंज करें, क्योंकि पर्टिकुलर नाम है किसी का, उसको चेंज नहीं करेंगे। राम शुड बी हेल्प बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ही शुड ओबे योर एल्डर्स, उससे एक व्यक्ति कोई उसे तुम्हारे एल्डर्स की ना बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, या उसका ऑर्डर मानना चाहिए, ओबे करना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए, उसका कहना मानना चाहिए, ठीक है ना। तो किसके द्वारा, योर एल्डर्स, तुम्हारे एल्डर्स, शुड बी ओबेड बाय हिम, उसके द्वारा तुम्हारे एल्डर्स की आज्ञा मानी जानी चाहिए, मानी जानी
चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी गलत नहीं है गाइस, इसमें बस शुड के साथ में यहाँ पे बी लगा देना है और बी के बाद में अपन ट्राई की थर्ड फॉर्म इन हर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है ना। फिर शो शी शुड ड्राइव अ कार, उसे कार चलानी चाहिए, ड्राइव करना चाहिए। अ कार शुड बी ड्रिवन बाय हर, कार उसके द्वारा चलाई जानी चाहिए। शुड बी लगाने के बाद ड्रिवन थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाय हर। मैं गाइस इसलिए इतने सारे सेंटेंस लेकर के आ रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस भी आसान से हो जाए। दे शुड बाय अ कार, देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। दे शुड बाय अ कार, उन्हें एक कार खरीदनी चाहिए, ठीक है ना। तो अ कार शुड बी बॉट, खरीदी जानी चाहिए, किसके द्वारा खरीदी जाएंगे, बाय देम। दे का क्या हो गया, देम हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे क्लियर हो गया। वी शुड ईट मैंगोज, हमें मैंगोज खाना चाहिए, आम खाना चाहिए, आम सबको बहुत पसंद है मुझे लगता है, यस गाइस मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैंगोज खाने चाहिए हमें, है ना, चाहिए। लेकिन अगर हमारे द्वारा मैंगोज खाने चाहिए, मैंगोज खाने चाहिए हमारे द्वारा, खाए जाने चाहिए ना हमारे द्वारा, तो हम क्या करेंगे, मैंगोज को क्या कर देंगे, हम ऑब्जेक्ट में कर देंगे। मैंगोज शुड बी ईटन बाय अस, मैंगोज शुड बी ईटन बाय अस। फिर क्या होगा गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो अमित शुड स्पीक द ट्रुथ, अमित को क्या बोलना चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, स्पीक द ट्रुथ, उसे सच बोलना चाहिए। और सच किसके द्वारा बोला जाना चाहिए, अमित के द्वारा। तो हम उसको कैसे कर लेंगे, द ट्रुथ शुड बी स्पोकन, द ट्रुथ शुड बी स्पोकन बाय अमित, अमित के द्वारा सच्चाई बोली जानी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप गाइस आपका शुड को लेकर के खत्म हो गया है। अब अपन कैन और कुड में भी, मस्ट में भी प्रैक्टिस कर लेते हैं गाइस। अगर हम इसको ऐसे ही लिख करके शुड की जगह कुड लिख लेंगे, मस्ट लिख लेंगे, तो भी चल जाएगा, है ना। बट हम इसकी प्रैक्टिस पूरे साथ में करेंगे तो मुझे लगता है गाइस आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम कैन को लेकर के आते हैं, चलिए कैन की प्रैक्टिस एक बार फिर से करते हैं, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक, थैंक यू गाइज। अब हम कैन के साथ में प्रैक्टिस करेंगे कि कैन के साथ कैसा करना है। तो कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, शुड की जगह पे अपन को कैन लेकर के आ जाना है और इधर अपन को कैन भी लेके आना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मॉडल वर्ब के साथ में केवल आपको बी का लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेना है। इसके बाद में गाइज लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, इसके बाद हम इम्परेटिव में लेके आएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं जहाँ पे क्लास में पेपर आता है और जो पेपर के रूप में या लेसन के लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेसिव वॉइस में, तब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो गाइस आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, इसके अंत में पक्का क्वेश्चन के इंपरेटिव सेंटेंस में और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोनों में हम पेसिव को कैसे चेंज करेंगे ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो कैन के साथ में फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। अब हम कैन के साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं तो वो नियम को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि बी यूज करते हैं और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मुझे लगता है गाइस अब तक आपको याद हो चुका होगा। तो सब्जेक्ट पर कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पर एक्टिव में, लेकिन पेसिव में करने के लिए क्या करेंगे, कैन भी हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बाय लगा के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई कैन वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों में पानी डाल सकती हूँ, पौधों में पानी डाला जा सकता है मेरे द्वारा, ठीक है ना, पौधों में पानी डाला जा सकता है मेरे द्वारा। तो उसको पेसिव में कैसे करेंगे, द प्लांट्स कैन बी वाटर्ड बाय मी, द प्लांट्स कैन बी वाटर्ड बाय मी, मेरे द्वारा पौधों में पानी डाला जा सकता है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। यू कैन हेल्प राम, तुम राम की मदद कर सकती हो या तुम कर सकते हो, तो राम की मदद की जा सकती है, तो राम कैन बी हेल्प्ड, देखो यहां से अपन ने उठा करके यहाँ रख दिया, राम कैन बी हेल्प बाय यू, राम की जा सकती है तुम्हारे द्वारा, ठीक है ना। चले, ही कैन ओबे योर एल्डर्स, उसको मतलब तुम्हारे एल्डर्स की जो ओबे है वो मानना मान सकता है, वो बिल्कुल मान सकता है, तो मानना कहना मान सक माना जा सकता है उसके द्वारा, ठीक है। तो योर एल्डर्स कैन बी ओबेड, कैन बी ओबेड मतलब उसके द्वारा ऑर्डर माना जा सकता है, आज्ञा मानी जा सकती है, बाय हिम तुम्हारे जो एल्डर्स है उसके द्वारा तुम्हारे एल्डर्स की आज्ञा मानी जा सकती है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो सुनना ही पड़ेगा ना, तो वहां पे अपन पेसिव के रूप में उसको लेके आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे अब अपन।
फिर है शी कैन ड्राइव अ कार, वह कार ड्राइव कर सकते हैं। गाइस इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब अपन कार ड्राइव करते हैं तो ड्राइव कहते हैं और जब हम गाड़ी या टू व्हीलर करते हैं तो उसको राइड कहते हैं ना, तो यहाँ पे इसको भी क्लियर कर लेना। शी कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकती है, यहाँ पे कार चलाई जा सकती है उसके द्वारा, डेफिनेटली उसके द्वारा चलाई जा सकती है। तो अ कार कैन बी ड्रिवन बाय हर, कार कैन में तो चलाई जा सकती है, ड्रिवन बाय हर, हर क्यों आया, क्योंकि सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे अब, दे कैन बाय अ कार, वे कार खरीद सकते हैं ना, कार कैन बी, अब कार अब समझ में आ गया आपको जल्दी, अ कार कैन बी बॉट बाय देम, क्यों आया कैन बी, क्योंकि कार तो हमारे ऑब्जेक्टिव में था, तो ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया, कैन के बाद में बी लगा दिया, बाय का अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म कर ली और बाय देम कर लिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, वी कैन ईट मैंगोस, हम मैंगो खा सकते हैं, डेफिनेटली खा सकते हैं, और मैंगोस हमारे द्वारा खाए जा सकते हैं, ये भी हो सकता है, यस। तो मैंगोस कैन बी ईटन बाय अस, ये हो गया पेसी, हाउ इजी ना दिस वन, बहुत ज्यादा इजी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अमित कैन स्पीक द ट्रुथ, अमित सच बोल सकता है, डेफिनेटली बोल सकता है, द ट्रुथ कैन बी स्पोकन बाय अमित, कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत इजी है, केवल आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का याद रखना है और कोई भी मॉडल वर्ब है उसके साथ में आपको बी लगाना है ना। ऐसे करते करते आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस कैसे करना, फटाफट फटाफट, द प्लांट्स कैन बी वॉटर बाय मी, राम कैन बी हेल्प बाय यू, योर एल्डर, योर एल्डर कैन बी ओबेड बाय हिम, अ कार कैन बी ड्रिवन बाय हर, अ कार कैन बी बॉट बाय देम, मैंगोस कैन बी ईटन बाय अस, और ट्रुथ कैन बी स्पोकन बाय अमित। तो गाइस मुझे लगता है कि बार बार जब आप किसी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी फ्लुएंसी हो जाएगी। अब अपन ऐसे ही मस्ट के साथ में ले लें गाइस, है ना, मस्ट है, कुड है, एक जैसा होता है, फिर उसको धीरे धीरे आप उसको जगह पे ला ला करके उसके साथ प्रैक्टिस कर लेंगे और सारी की सारी मॉडल वर्ब आपकी तैयार हो जाएगी। इसके बाद में अपन क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं पेसियो में, पेसियो में क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जाता है, इसको हम जरूर पढ़ेंगे। पहले अपन थोड़ा सा मस्ट पे कर लें, टिल देन आप इसको नोट नोट डाउन कर लेंगे। अब गाइस अपन मस्ट को भी याद से देख लेंगे, क्योंकि मस्ट में भी वही चीज है, कोई बड़ा इसमें भी चेंज नहीं लाना है आपको, क्योंकि मस्ट के साथ में क्या होता है, मस्ट हो, शुड हो, कुड हो, कैन, ये सब मॉडल वर्ब है ना। तो यहाँ पे भी हमको क्या है, रिप्लेस कर देना है कैन और शुड की जगह पे मस्ट का। अब हम मस्ट के साथ काम करेंगे, है ना। तो आई मस्ट वॉटर द प्लांट्स, मुझे बिल्कुल पानी डालना ही चाहिए, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना 100%, बिल्कुल आपको ये करना ही चाहिए, मुझे पक्का पानी डालना ही चाहिए पौधों में। तो प्लांट्स मस्ट बी वॉटर बाय मी, प्लांट में पानी जरूर डाला जाना चाहिए तुम्हारे द्वारा या मेरे द्वारा। बिल्कुल जब शुड और मस्ट में इतना सा अंतर है कि जब बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना है तब अपन मस्ट का यूज करो, नॉर्मल एडवाइस दी है आपने तो आप शुड का यूज कर सकते हो, लेकिन मस्ट यानी बिल्कुल 101% आपको ये काम करना चाहिए उसके लिए, है ना। तो इसके साथ भी अपन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जिस ज्यादा से ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज करिए समझ में आएगा आपको जल्दी जल्दी। यू मस्ट हेल्प राम, तुम्हें बिल्कुल राम की मदद करनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि मैम शुड भी लगा सकते हैं, हाँ क्यों नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप जब एम्फेसाइज करते हैं कि आपको बिल्कुल जरूर करना चाहिए, शुड में ऐसा है कि किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल करना चाहिए, जोर दे के बोलना है तो आपको बोलना चाहिए यू मस्ट हेल्प राम, राम मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू, तुम्हारी द्वारा जो हेल्प की जानी चाहिए पक्का की जानी चाहिए, ठीक है। फिर ही मस्ट ओबे योर एल्डर्स, उसे तुम्हारे एल्डर्स का आज्ञा मानना ही चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। तो यहाँ पे भी आ जाएगा वही, योर एल्डर्स मस्ट बी ओबेड बाय हिम, उसके द्वारा मानी ही जाने चाहिए तुम्हारे एल्डर्स का कहना, ठीक है ना। फिर शी मस्ट ड्राइव अ कार, वह उसे पक्का कार चलानी ही चाहिए, है ना, ठीक है, उसे डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी पे। तो अ कार मस्ट बी ड्रिवन बाय हर, कार चलाई जानी चाहिए उसके द्वारा, बिल्कुल चलाई जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दे मस्ट बाय अ कार, उन्हें पक्का एक कार खरीद लेनी चाहिए, है ना, बिल्कुल खरीद लेना चाहिए। अ कार मस्ट बी बॉट बाय देम, उनके द्वारा कार खरीदी जानी चाहिए, बिल्कुल खरीद लेनी चाहिए, है ना। यहाँ पे क्लियर हो गया,
गाइस मुझे लगता है कि अब आपको इसे मजा आ रहा होगा, मुझे ही बहुत मजा आता है जब आप लोगों को पढ़ाती हूँ, और जब आप लोग इससे कुछ सीखेंगे तो मुझे और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। वी मस्ट ईट मैंगोज, हमें जरूर जरूर मैंगोज खाने ही चाहिए, सबको खाना चाहिए, है ना, अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो मैंगोज मस्ट बी ईटन बाय अस, यहाँ पे भी देखेंगे प्रैक्टिस, मतलब उसी चीज को मैंने हर बार बताया है, तो मुझे लगता है गाइस इसमें आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा, और अब तो रट चुका होगा इतने में आपको, है ना। अमित मस्ट स्पीक द ट्रुथ, अमित को बिल्कुल सच बोलना चाहिए, फिर ऐसे द ट्रुथ मस्ट बी स्पोकन बाय अमित। यहाँ पे आपका ये वीडियो एटलीस्ट खत्म हो चुका है। अब आप ऐसे सर कुड भी ले सकते हो, किसी और चीज को भी ले सकते हो, टू बी के साथ भी मैं एक नया वीडियो जल्दी लेकर के आऊंगी कि टू के बाद यदि बी आता है तो उसका क्या सेंस निकलता है, और वहां पे हम पेसिव में उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो भी लेके आऊंगी। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि अब सभी वर्ब के साथ में लेके, सभी मॉडल के साथ में लेकर के आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मस्ट को हटा करके आप कुड लग देना, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका मोडल के पेसिव भी खत्म हो चुके हैं। अब हम आपके सामने लेकर के आते हैं क्या क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन को फॉर्म कैसा किया जाता है, होम के साथ कैसा किया जाता है, होम कहाँ यूज करते हैं, वाई के साथ कैसे यूज करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव में सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना है तो कैसे लगाएंगे। तो गाइज मुझे लगता है कि इसके बाद आप इसको वीडियो को आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि वो प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, और गाइज हर क्लास में एट्थ के बाद एटलीस्ट शुरू हो जाता है, और आपको भी जब बड़ी क्लास में भी जाते हैं तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म करते हैं ये आपको आना ही चाहिए। इसलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप उसे वॉच कीजिए, क्योंकि उसके बारे में मैं क्वेश्चन को फॉर्म करना भी सिखा रही हूँ। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।